उत्तर प्रदेश का बजट सत्र आज था। बजट सत्र के बाद सीएम योगी प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। रोजगार प्रोत्साहन कोष के गठन की कार्रवाई, जिसमें ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप की स्कीम को वित्त पोषण की कार्रवाई के साथ हम इसके साथ जोड़ेंगे। राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना यह वाराणसी में करने और 2 मेगा राजकीय आईटीआई की स्थापना और 69 आईटीआई के उन्नयन का प्रस्ताव भी हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा है। स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर की स्थापना की कार्रवाई भी प्रदेश में है। वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष की स्थापना और आंगनबाड़ी के उन्नयन की, जो लगभग 22,000 से अधिक आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी केंद्र, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र है, उनको मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में अपग्रेड करने की कार्रवाई को हमने आगे बढ़ाया है। प्रदेश में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए भी प्रावधान किया गया है, जो लगभग 46 वर्ष के बाद प्रदेश के अंदर पहला ऐसा नया औद्योगिक शहर बनेगा, जो कानपुर और झांसी के बीच में हम लोगों ने प्रस्तावित किया है। फॉर्च्यून 500 कंपनियों के लिए एफडीआई पॉलिसी के क्रियान्वयन हेतु भी हमने धनराशि की व्यवस्था की है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की कार्रवाई को भी हम लोग इस बजट में हम लोगों ने प्राथमिकता दी है। इनोवेशन एंड रिसर्च के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए भी हम लोगों ने यहां पर व्यवस्था दी, बजट में प्रावधान किया है। आईआईटी कानपुर में मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना, 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना की कार्रवाई को भी इस बजट में हम लोगों ने, प्रदेश की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पर जो हमारे पास पोटेंशियल है, वह स्पिरिचुअल टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप हमारे पास है। अयोध्या है, काशी है, मथुरा वृंदावन है, नैमिषारण्य है, विंध्यवासिनी धाम है, देवपाटन है, बरेली में नाथ कॉरिडोर है, इनकी थीम पर आधारित अवस्थापना विकास की कार्रवाई। प्रयागराज कुंभ के लिए अभी से प्रावधान करके उन सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के साथ साथ कुंभ संग्रहालय की स्थापना प्रयागराज में करने और विभिन्न विकास की योजनाओं के लिए भी अभी से बजट का प्रावधान प्रयागराज कुंभ के लिए हम लोगों ने किया है। निसारनाथ गुह्य सांस्कृतिक केंद्र श्रृंगवेरपुर के लिए, इसके अलावा आजमगढ़ में हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना और महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र चित्रकूट की स्थापना के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की है। तो अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध केंद्र की स्थापना के लिए भी बजट का प्रावधान इस बजट में किया गया है। कृषि हमारा एक प्राथमिक सेक्टर है यूपी जैसे राज्य में, जहां की एक बड़ी आबादी कृषि पर आधारित है। इसमें अन्नदाता किसानों के लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रस्तावित की है। प्रदेश में राज्य कृषि विकास योजना प्रस्तावित की गई है, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के अंदर जो हमारे लगभग जो प्रदेश के अंदर निजी नलकूप हैं, उनसे जुड़े हुए किसानों को हम लोग बिजली उपलब्ध करवा सकें, इसके लिए निशुल्क विद्युत आपूर्ति के लिए भी धनराशि का प्रावधान हमने बजट में किया हुआ है। और उत्तर प्रदेश की खेती को ग्लोबल वार्मिंग से भी उनकी पैदावार में प्रभाव न्यूनतम किया जा सके, इसके लिए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना के लिए भी
हर ग्राम पंचायत में स्थापित करने के लिए हम लोगों ने बजट का प्रावधान किया है, जो खेती किसानी के लिए, बागवानी के लिए, किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा, वह भी हम इसमें के साथ करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक यानी जो नेचुरल एंड ऑर्गेनिक कल्चर लैब, टिश्यू लैब, एग्री टूरिज्म सेंटर की स्थापना की कार्रवाई और मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए भी हमने पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था इस बजट में प्रदेश के अंदर प्रस्तुत की है। बजट मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पों को, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि उत्तर प्रदेश देश की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करे, उत्तर प्रदेश का यह बजट उसका प्रतिनिधित्व करता है। $1 trillion की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश बन सके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को हम दोगुना करने में सफल हुए, प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने में सफल हुए, और आज उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। तो स्वाभाविक रूप से यह बजट उन सभी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। प्रदेश में यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्रदेश की स्थापना का यानी प्रदेश के उत्तर प्रदेश नामकरण आने के बाद 1950 से लेकर के अब तक, जब 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नोटिफिकेशन हुआ था तो उसका यह अमृत काल है। अमृत काल में उत्तर प्रदेश के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के समय यह बजट उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाला होगा। $1 trillion की इकोनॉमी को अचीव करने के प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा और बजट में ग्रीन बजट की अवधारणा को भी सार्थक करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, जिसमें 17 महत्वपूर्ण विभागों को प्रदेश के अंदर अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर ग्रीन टैगिंग की शुरुआत का भी शुभारंभ हुआ है। बजट अनुमानों में तमाम अन्य कार्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश को यानी ग्रीन टैगिंग करने वाला उत्तर प्रदेश देश का संभवतः पहला राज्य होगा जो इस दिशा में अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है। प्रदेश के अंदर हमने पिछले 2 वित्तीय वर्षों में आम बजट की जो हमारी प्रस्तुति थी वह डिजिटल हो गई है। पहले की भांति बजट पुस्तकों को प्रकाशित कराने की प्रथा लगभग समाप्त है। यह भी पर्यावरण के दुष्प्रभावों को काफी हद तक कंट्रोल करता है, कम करता है। हमारा 24-25 का यह बजट पिंक बजट भी है। यह प्रदेश की मातृशक्ति को, माताओं और बहनों को, बेटियों को, उनसे संबंधित विभिन्न योजनाओं को चिन्हित करके उन पर भी फोकस किया गया, ध्यान आकर्षित किया गया है। महिलाओं के, बालिकाओं के कल्याण, उनके सशक्तिकरण, संतुलित और उनके सर्वांगीण विकास की, जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना का धनराशि हम लोगों ने 15,000 से बढ़ा के 25,000 रुपये किए हैं। इस प्रकार की अनेक अन्य घोषणाएं भी प्रदेश में की गई हैं। तो यह प्रदेश का जो हमारा बजट है, यह प्रदेश के उन समग्र संकल्पनाओं को पूरा करने वाला है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा थी और उनका जो संकल्प है, उन संकल्पों के अनुसार मेरा यह कहना है कि बजट लोक मंगल का बजट है, जन कल्याण का संकल्प है, उत्सव, उद्योग और उम्मीद, और यही है नए यूपी की, यही तस्वीर। बजट के लिए मैं वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी को, अपर मुख्य सचिव वित्त और उनकी पूरी टीम को लोक मंगल के लिए समर्पित इस संतुलित और समग्र विकास की अवधारणा पर आधारित बजट के लिए हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश वासियों को भी इस बजट के लिए जो उनके समग्र और संतुलित विकास में और उत्तर प्रदेश को देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा,
इसके लिए हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इसी के साथ ही प्रेस वार्ता समाप्त होती है।